कच्छ और मुंबई के बीच दौड़ती वैसी रेलवे ट्रेन में नवी सुविधा का बढ़ावा किया जाने वाला है, जिसमें नए LBH कोच जुड़ने के साथ यात्रियों का सफर और भी आरामदायी बनाया जाएगा। कच्छ और मुंबई के बीच दौड़ती रेल सेवा में प्रवासियों की सुविधा में बढ़ावा किया जाने वाला है। भुज से निकलती वैसी कच्छ एक्सप्रेस और सयाजी नगरी ट्रेन में नए LBH कोच लगाए जाएंगे। जो ये नए कोच भुज स्थित इसका आगमन हो चुका है। रेलवे तंत्र द्वारा हरी झंडी मिलने के बाद आने वाले होली धुलेटी पर्व के साथ ही ये नए LBH कोच को जोड़ते हुए यात्रियों का सफर और भी आरामदायी बनाया जाएगा। रेलवे विस्तरण और कच्छ पैसेंजर एसोसिएशन के मंत्री प्रबोध भाई मुनवर ने इस बारे में बताया था कि मुंबई की और जाती वैसी कच्छ की दो ट्रेन में पुराने कोच है, जिसमें सुविधाओं का अभाव होने के कारण यात्रियों को काफी परेशान होना पड़ता था। लेकिन अब ये दोनों ट्रेन में नए LBH कोच लगाए जाएंगे, जहां आधुनिक सुविधाओं के साथ प्रवासियों का सफर भी काफी आरामदायी बनाया जाएगा। फिलहाल अधिकतम कोच भुज स्थित आगमन कर दिया गया है, तो वहीं आने वाले दिनों में नए कोच ट्रेन में जुड़ने के साथ मुंबई की ओर जाते वैसे यात्रियों के लिए उनकी मुसाफरी काफी आरामदायी बनाई जाएगी। प्रबोध मुनवर, मंत्री, रेलवे विस्तरण अने कच्छ पेसेंजर एसोसिएशन, भुज कच्छ। अत्यारे भुजमां जे वर्षोथी कच्छ एक्सप्रेस अने सयाजी एक्सप्रेसमां जूना कोच चलता था, एमना बदले 1 એપ્રિલથી નવા કોચ જોડવાની વાત રેલવે તંત્રે કરી હતી ને એ હવે નવા કોચ લાગશે અને અત્યારે ભુજમાં ઘણા બધા કોચ આવી ગયા છે। ટૂંક સમયમાં LHB કોચ છે એ કચ્છ એક્સપ્રેસમાં લાગશે, સયાજીમાં લાગશે, જેથી કચ્છી પ્રજાજનો છે જે કચ્છના મુસાફરો જે મુંબઈ જાય છે, મુંબઈથી આવે છે, એ લોકોને સારી એવી રાહત મળશે। કારણ કે અગાઉ જે જૂના ડબ્બા હતા એમાં ઘણી બધી સગવડો ઉપલબ્ધ નહોતી, જ્યારે નવા LHB જે કોચ છે એમાં ઘણી બધી સારી સવલતો છે અને ટૂંક સમયમાં કચ્છીઓને, કચ્છના મુસાફરોને એક રેલવે તરફથી સારી એવી સુંદર સગવડ મળશે। ખાસ કરીને LHB કોચમાં શું ખાસિયતતા હશે? અત્યારે જે જૂના કોચ હતા એના બદલે હવે બધા નવા કોચ છે, એમાં મુસાફરોને આરામદાયક મુસાફરી મળે એના માટે દરેક વ્યવસ્થાઓ અંદર કરવામાં આવી છે અને નવી આધુનિકરણ સાથે એ દરેક કોચમાં સારી એવી વ્યવસ્થાઓ છે।